फ्रेंड्स, क्या कभी आपने इस तरह फूली रोटियां एक साथ सात रोटियां बनाई है? चलिए हम आपको इसे बनाने की ट्रिक्स बताते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक साथ आपको टेबल पे सात सात रोटियां, वाह कितना अच्छा लगेगा आपको पूरे परिवार को। देखिए मैं बताती हूँ, आटा हमने गूंथ लिया है रेस्टिंग के बाद, फिर हम आटे की लोई बनाएंगे। सात रोटियां एक साथ बनाएंगे, तरीका देखिए। पहले तीन रोटी की लोई काटा है हमने, फिर तीन की काटेंगे, फिर एक, जिसमें एक रोटी बच्चे के लिए, दो रोटी अपने लिए और तीन रोटी हस्बैंड के लिए, एक एक्स्ट्रा भी हो सकती है जिसे भूख हो वो खा ले। एक साथ हम सात रोटियां कैसे बनाएंगे, जिसके लिए पहले हमने ये सेवन लोईज काट ली हैं और इसे फटाफट हम एक साथ कर लेंगे, यानी पैथन लगा लेंगे। पैथन लगा के एक साथ करते हुए इसे देखिए हम किस तरह से हाथ से रोल करते, इस तरह से हमारी मम्मी दादी और नानी वगैरह रोटियां बनाती थी, वही तरीका मैं अपनाती हूँ। एक एक रोटी हम बेलेंगे। तवे को पहले हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया थोड़ा, उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया और अब हम एक एक करते हुए रोटियां बेलेंगे और इसे पलट लेंगे। फर्स्ट टाइम आपको थोड़े देर में पलट लेना है, देखिए इसमें कोई चित्ती नहीं पड़ी है, पर जब सेकेंड टाइम आपने फोल्ड किया है तो आपको थोड़ा टाइट इसे सेकना होगा। जो हम एक बार रोटी सेक के फिर फुलाते हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा टाइट पीछे का सेकने का, पर इसकी पीछे की जो पीठ वाला हिस्सा है यानी इसे काफ़ी टाइट रखना होगा, क्योंकि हम एक साथ सात रोटियां बनाएंगे और इस तरह से जब इसे हम पलट लेंगे तो दूसरी रोटी रख देंगे। अब हम तीसरी रोटी देखे बेले हैं और इसे भी पलट देंगे तो चौथी रोटी बनाएंगे। देखिए एक बार इस तरह कर लिया हमने, पलट दिया, तब इन दो रोटियों को रख के अब चौथी रोटी हम बेल लेंगे। इसी तरह करते हुए हमें सात रोटियां बेल लेनी है। देखिए अभी हमने तीन रखा है, चौथी रख देंगे, डाल देंगे। इसी तरह से हमें धीमे धीमे करना। अगर आप न्यू हैं और रोटियां नहीं बनाई हैं कभी, तो आप एक साथ तीन रोटी या दो रोटी बनाकर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो सात रोटियां बननी हैं उसे हम जल्दी जल्दी बेलेंगे, तो जिसकी आदत होती है वो तो फटाफट देखिए बेल लेगा। पांच छह रोटी हमने डाल दिया, ये सातवीं रोटी का पैथन है। ये टोटल देखिए दो तीन चार पाँच छः और सातवीं रोटी हमने बेल रखा है। अब हम देखिए किस तरह से करेंगे, सात रोटी हम डालेंगे और अब इस रोटी को, सातवीं रोटी को हम इस तरह से देखिए आपको करना है और उसके बाद सातवीं रोटी जो है हम पलट देंगे। देखिए मैं टोटल गिन के आपको दिखा रही हूँ, सेवन रोटी हैं, ये सारी कच्ची हैं। ये पलटते ही हम इसके ऊपर रोटी रखेंगे और जो सेकंड वाली है उसे हम उठा लेंगे। अगर नीचे की रोटी सिक जाए तो आप लास्ट वाली रोटी पहले उठाइए, जो तवे पे रहे वो रोटी उठाइए। यहाँ देखिए मैं चिमटे का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये साथी रोटी जो थी सातवीं गिर गई थी, यहाँ चिमटे का बिना यूज़ किए मैं बना रही। चिमटे से अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी आसान होगा, क्योंकि जिसके पास चिमटा ना हो उसे इस तरीके से बना लेना चाहिए। एक कड़छी लिया है, ऊपर से चाकू इस तरह से उलट पलट के देखे, रोटी काफ़ी अच्छे से फूल गई। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इस रोटी को ऊपर रख देंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम नीचे से, रोटी अक्सर नीचे से आप निकालिएगा। अगर आपको लगे कि आपकी रोटी ठंडी हो रही है तो दूसरे गैस के चूल्हे पे आप फिर से, अगर आपको लगे कि पांचवी या छठी रोटी बनते समय हमारा तवा ठंडा हो गया है और रोटी ठीक से नहीं फूल रही है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़े देर से जलते चूल्हे पे तवे को रख दीजिएगा ताकि नीचे से तवा गर्म हो जाए, फिर उलट पलट के अपनी रोटी सेक सकते हैं। देखिए ये रोटी काफ़ी अच्छे से नहीं फूली, तो हमने जब तवा इसका गर्म कर लिया तब आप दिखा रहे हैं कितने अच्छे से ये रोटी फूलेगी। ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर आप रोटी जो तवा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है अगर थोड़ा हल्का रहता है, और भारी तवे पे आप एक साथ सात रोटियां बना सकती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई, कैसे आपको पसंद आई वो आप मुझे बताइएगा। अगर इसमें कोई कमी रही तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश की करूँगी। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।